अभी हम जा रहे हैं वीडियो शूट के लिए। आज का ब्लॉग काफी स्पेशल रहेगा आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। What's up guys, मैं हूं प्रतीक राय और आज मैं लेके आया हूं आपको रिवर फ्रंट, न्यू रिवर फ्रंट के सामने। हाँ हाँ, पबजी प्रेमियों, आपको पबजी की लोकेशन लग रही होगी पीछे, पर ये वो लोकेशन नहीं है। और आज हम यहाँ पे पबजी खेलने नहीं वाले, हम बाइक राइड करने वाले हैं। कई बार मैंने अपनी RR 310 राइड की है, पर आज जो बाइक मैं राइड करने जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है ये। ये है एवेंजर क्रूज 220 और ये एक क्रूजर बाइक है। हमेशा मैं एक स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ, आपको पता ही है। और ये किसकी बाइक है अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने है यहाँ, शिवानी। हेलो। और ये इनकी बाइक है, तो आज हम इसे राइड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये इसका राइडिंग परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से है। तो आपने इसकी साउंड सुनी, काफ़ी बेहतर एग्जॉस्ट की साउंड है। और अब मैं आपके साथ इसका राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। वाओ, मैं सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है इसको राइड करते समय, और मुझे लग ही नहीं रहा मैं किसी बाइक पे बैठा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर में किसी सोफे पे इस समय विराजमान हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। इससे पहले मैंने थंडरबर्ड चलाई थी, आपको पता ही है, और थंडरबर्ड चलाते समय मुझे उतना कंफर्ट महसूस नहीं हुआ था जिसको इसको ड्राइव करते समय मुझे कंफर्ट महसूस हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि मुझे मैंने जब बाइक लेने का सोचा तो मैंने पहले थंडरबर्ड को ही चूज़ किया, और उसके बाद मुझे लगा नहीं, मेरा हमेशा से ड्रीम था एक स्पोर्ट्स बाइक का, तो मुझे वही लेनी चाहिए। और मैंने जब RR 310 को देखा तो पहली नज़र में ही बस उससे प्यार हो गया और मैंने उसे ले लिया। और वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है, जो उसी कलर में मैंने उसे लिया है, और इसको ड्राइव करते समय काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। तो इसके बारे में बात करते हैं। एक क्रूज बाइक से इतना अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद मैं नहीं कर सकता था, पर एक 220 सीसी की बाइक जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगी मुझे नहीं लगा था, और इसने करके दिया। काफ़ी बेहतर लगा मुझे इसका राइड। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि इसका पिकअप किस तरह से और क्या पावर ये देगी। चलिए दौड़ाते हैं इसे। मुझे इसका ब्रेक भी टेस्ट करना था, इससे पहले मैंने हार्ली डेविडसन भी चलाई तो उसमें भी काफ़ी मुझे दिक्कत हुई ब्रेक में, पर इसमें ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा कंफर्टेबल राइड ना? बिल्कुल मस्त अच्छा तो लगता, सोफे पे बैठे। हाँ, वो चीज़ मैंने मेंशन किया।
गड़बड़ हो गई। दरअसल वहाँ पे जो भी मैंने वीडियो शूट की थी एंडिंग में, वो गलती से मेरे से डिलीट हो गई हैं। पर कोई बात नहीं, फिर से शूट कर लेते हैं और फिर से आपको सारी मैं डिटेल दे देता हूँ कि आज की जो एवेंजर की राइड थी वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगी और काफ़ी कंफर्टेबल राइड थी। मैंने आपको बताया ही सारी बातें उसके बारे में। तो अगर आपको जानना है एक क्रूज बाइक राइडर एक स्पोर्ट बाइक अगर चलाती है तो उसे कैसा फील होता है, उसके लिए आपको शिवानी के चैनल पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ज़रूर जाके उस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।